दोस्तों अभी सुमन गिल और विराट कोहली को बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथा टेस्ट मुकाबला में बल्लेबाजों ने जिस तरह प्रदर्शन किया इससे यह साफ हो गया है कि यह मैच ड्रॉ की ओर चल दिया है। जहां तक ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा टेस्ट मुकाबला जीता ही उन्होंने WTC के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। वहीं इंडिया ये चौथा टेस्ट मुकाबला ड्रॉ होते ही WTC के फाइनल में जगह पक्की कर सकती है और श्रीलंका भारत के लिए WTC के फाइनल में जाने के लिए विलन नहीं बनेगा। अगर दोस्तों कैसे भारत ये मैच ड्रॉ होते ही WTC के फाइनल पहुंच जाएगी कंप्लीट आपको बताने जा रहे हैं। साथ ड्रॉ होते ही भारत के लिए दो बड़ी खुशखबरियों के बारे में भी बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सभी को क्या लगता है अक्षर पटेल जडेजा और अश्विन को किसे बेहतर आप खिलाड़ी मानते हैं, नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-22 का लास्ट स्टेप पहुंच गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी अहमदाबाद में टेस्ट और श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में जारी टेस्ट मैच के बाद यह तस्वीर साफ हो जाएगी। अब अगर ताजा अपडेट की बात करें तो यह कुछ हद तक तय हो गया है कि टीम इंडिया फाइनल का रास्ता साफ हो गया है और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उधर श्रीलंका और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में 22 ने खलल डाल दिया है, इस कारण पहले सेशन का खेल भी धुल गया है। फिलहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कुछ भी निकाल सकते हैं और भारतीय टीम इससे बेहद खुशी होगी। अब क्राइस्टचर्च टेस्ट में अगर बारिश रुकती है तो दो सेशन से भी कम समय रहेगा। मैच जीतना श्रीलंका के लिए बेहद अहम है क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद टेस्ट में ड्रॉ की ओर दिख रहा है। ऐसे में अगर श्रीलंका का फाइनल में जाना है तो उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में दोनों टेस्ट जीतने होंगे। क्राइस्टचर्च टेस्ट को अगर अभी शुरू होता है तो बारिश के बाद एशियाई टीम को कीवी टीम के 9 विकेट गिराने होंगे। ऐसा करना न्यूजीलैंड की मजबूती बैटिंग को लाइनअप को देखते हुए संभव नहीं लग रहा है। चौथे दिन श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 287 रनों का लक्ष्य दिया था। दिन के अंत तक होम टीम ने एक विकेट खोकर 28 रन बना लिए थे। अगर WTC के मौजूदा पॉइंट टेबल की हाल की बात करें तो टॉप पर कब्जा किया हुआ ऑस्ट्रेलिया टीम भारत के खिलाफ इंदौर टेस्ट जीतकर फाइनल में पहुंच गई थी। उधर दूसरे स्थान पर मौजूद टीम इंडिया के लिए इस एक हार के साथ बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद टेस्ट में भी टीम इंडिया के लिए जीत मुश्किल लग रही है। ऐसी स्थिति में अगर श्रीलंका को जगह बनानी है तो उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज के दोनों टेस्ट जीतना ही होगा। क्राइस्टचर्च में जारी पहला टेस्ट अब आखिरी दिन बारिश के कारण ड्रॉ की ओर दिख रहा है। यही कारण है कि श्रीलंका के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा तो वहीं टीम इंडिया के लिए खुशखबरी रहेगी। वहीं दोस्तों WTC के पॉइंट टेबल में पॉइंट्स की बात करें तो इंडिया 60.29 विनिंग परसेंट के साथ दूसरे स्थान पर है। अहमदाबाद टेस्ट ड्रॉ होने के बाद यह घटकर 59 हो जाएगा। उधर क्राइस्टचर्च टेस्ट में अगर श्रीलंका जीत जाती है तो उसका विनिंग परसेंट 58 हो जाएगा। अगर मैच ड्रॉ हो जाता है तो श्रीलंका चौथे स्थान पर रहेगा और उसका परसेंट 52% हो जाएगा। अभी साउथ अफ्रीका 55.56% के साथ तीसरे स्थान पर है, लेकिन उसका अब कोई मैच नहीं बाकी है, उसकी संभावना खत्म होती हुई दिख रही है। यानी यह साफ है कि भारत एक ही कंडीशन में फाइनल में नहीं जा सकता है। श्रीलंका क्राइस्टचर्च टेस्ट और 17 मई से वेलिंगटन में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में जीत अपने नाम करे जो बारिश के कारण अब काफी मुश्किल लग रहा है। यानी हम अभी भी समीकरण के अनुसार टीम इंडिया का फाइनल में जाना तय मान सकते हैं। इसकी स्पष्ट तस्वीर श्रीलंका न्यूजीलैंड के टेस्ट के आखिरी दिन तक तय हो जाएगा और इसी के साथ मैच ड्रॉ होने के साथ ही इंडिया WTC के फाइनल में जगह पक्की कर लेगी और सीरीज को अपने नाम कर लेगी। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है यदि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला होगा तो कौन जीतेगा, नीचे कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे मैच को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।